मैं सातवीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान से 35 मील दूर तलवंडी नामक गांव में सन 1523 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इस गांव का नाम अब ननकाना साहब हो गया है। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह मूलाराम पटवारी की बेटी से हुआ। इनके दो पुत्र थे। इनका मन गृहस्थी में नहीं लगा और ये गृहस्थी का त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए मार्ग पर चले गए। गुरु नानक जी समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तथा दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं। वह बहुत दयालु थे। नानक देव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं परम पिता परमेश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर सब जगह और हर प्राणी में विद्यमान है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भी भय नहीं रहता। ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना ही किसी को सताएं। हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा याचना करें। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रहवृत्ति बुरी है। धन्यवाद।